अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। टू सॉल्व इक्वेशन यूज फैक्टराइजेशन मेथड। कंपेयर 3x² - x - 10 = 0 विद ax² + bx + c = 0। वी गेट a का x square का कोफिशेंट a है, x square का कोफिशेंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। x का कोफिशेंट b है और x का कोफिशेंट -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -10। अब हमने फैक्टराइजेशन में a और c की वैल्यू को पहले चेक करना है। a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -10, इनको मल्टीप्लाई करने से -30 आ रहा है और b की वैल्यू -1 है तो नेगेटिव है। अब ऐसे दो दो नंबर्स हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए। एक हमारे पास 2 और 15 है, दूसरा 3 और 10 है और तीसरा 5 और 6 है। इन सबको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास 15 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर हम -15 + 2 लें तो हमारे पास कभी भी -1 नहीं आता, ना ऐड करने से ना सब्ट्रैक्ट करने से। 10 और 3 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -1 नहीं आता, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ सकता है। तो 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो बी की वैल्यू नेगेटिव है, 6 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब 5 के साथ हमने चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो +5 - 5 दोनों के साथ चेक करेंगे। +5 - 6 - 1 आ गया, ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। बी की वैल्यू हमारे पास -1 है तो ये ट्रू है। -5 - 6 - 11 आ रहा है तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमें -1 चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटी हमारे पास ट्रू है वो है 5x और -6x की। 3x² - x - 10 = 0 implies that 3x² - 6x + 5x - 10 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन लेंगे, 3x बाय शिफ्ट हो जाएगा, अंदर x माइनस 2 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा। एक पेयर x माइनस 2 आ गया और एक 3x + 5। x - 2 = 0, 3x + 5 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले 5 को सब्ट्रैक्ट करके राइट पे शिफ्ट करेंगे, 3x = -5 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -5/3 आ जाएगी। implies that x = -5/3। Now check the solution in the original equation। Radical equation में हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी उनको हमने पुट बैक करके solution को चेक करना है कि वो exist करता है, यानी true होती है वैल्यू या नहीं। गिवन इक्वेजन है हमारे पास x + 7² + x + 2² = 6x + 13² पुट x = 2। पहली वैल्यू हमारे पास x की 2 आई है, 2 + 7 = 9² √3 आ जाएगा, 2 + 2 = 4² √2 आ जाएगा, 6 × 2 = 12 + 13 = 25 का स्केयर रूट 5। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है तो ये कंडीशन ट्रू है। अगेन x + 7² + x + 2² = 6x + 13² पुट x = -5/3। -5/3 + 7 - 5/3 + 2 6 × -5/3 + 13। सबसे पहले एलसीएम लेना है तो एलसीएम में हमारे पास 3 × 1 = 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1 - 5 + 3 × 7। यहाँ से भी एलसीएम 3 आ जाएगा हमारे पास, -5 × 1 आ जाएगा + 3 × 2। 6 × -5 आ जाएगा, एलसीएम 3 है, 6 × -5 आ जाएगा + 3 × 13। -5 + 21/3, -5 + 2 = 6/3, -30 + 39/3, 16/3² √ + 1/3² √ = 9/3² √। 16 का स्केयर रूट सेपरेट ले लेंगे, 3 का स्केयर रूट यहाँ से 1 का सेपरेट ले लेंगे और 3 का स्केयर रूट = 9/3। 9 का स्केयर रूट सेपरेट ले लेंगे और 16 का स्केयर रूट 4 आ जाएगा, स्केयर रूट 3 इसी तरह से रहेगा, 1 का स्केयर रूट 1 और स्केयर रूट 3 इसी तरह से रहेगा, 9 का स्केयर रूट 3 आ जाएगा और स्केयर रूट 3 इसी तरह से रहेगा। अब एलसीएम ले लेंगे, स्केयर रूट 3 आ जाएगा और 4 + 1 = 5 और राइट पे 3/√3। ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी, 2। तो हेंस सॉल्यूशन सेट = 2, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Exercise 1.3, question number 5 मैंने आपको करवा दिया है, question number 6, 7 और 8 ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सेम स्टेप के साथ।